हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे क्लास सेवेंथ का मैथ्स, जिसमें आज हमको पढ़ना है यूनिट फर्स्ट। और यूनिट फर्स्ट में पढ़ना है एक्सरसाइज 1.5। तो हम करते हैं आज एक्सरसाइज 1.5। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है एब्यूलेट इच ऑफ द फॉलोइंग। इनकी आपको वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट का फर्स्ट गिवन है 27 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट -3। सेकंड क्वेश्चन है -620 डिवाइडेड बाय 1। तो इसमें आपको क्या करना सीखना है, डिवाइड करना सीखना है। डिवाइड करके क्या निकालना है, इसकी वैल्यू निकालना है। देखा जा रहा है इसको, फर्स्ट सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट 27/-3। आपको ये पता है डिवाइडिंग इस अपॉन में चला जाता है नंबर। अब आपको यहाँ से अगर डिवाइड करना आता है तो आप कर सकते हो 3 1 3 3 9 27। तो ये आ जाएगा 9/-1। अपॉन में 1 का कोई मीन्स नहीं होता, तो आंसर होगा 9। अगर ऐसे नहीं आता तो आप इसको डिवाइड करके भी देख सकते हैं। इसके बाद सॉल्यूशन ऑफ सेकंड -620/1। आपको ये पता है 1 से किसी नंबर को डिवाइड करो तो क्या आता है, वही नंबर आ जाता है। तो आंसर क्या होगा, -620। इसी तरह इसका जो थर्ड क्वेश्चन है वो हो जाएगा, थर्ड क्वेश्चन देखिएगा जरा इसका। थर्ड क्वेश्चन गिवन है -7533 डिवाइडेड बाय -8। इसको सॉल्व करेंगे तो 7 5 -7533 अपॉन में -8। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। 81 की टेबल आपको आती नहीं होगी, तो आप क्या करेंगे, इसको 81 देखिए चला जाएगा, ये 3 से जा सकता है। तो 3 2 6, 2 21 हो जाएगा, 3 7 21, 3 2 6 हो जाएगा, 3 7 21 हो जाएगा। जिससे इसको सिंप्लीफाई किया उससे इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 3 2 6, 1 15 हो जाएगा, 3 5 15, 3 1 3 3 1 3। इसके बाद फिर 3 से काटेंगे तो 3 9 27, और ये हो जाएगा 3 8 24, 1 11 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 3 9, और 3 7 20। फिर 3 से 3 3 9, ये हो जाएगा 3 2 6, तो 2 remainder 23, 3 7 21, और 3 9 27। फिर 3 से 3 1 3 3 9 27, 3 3 9, तो जो आंसर आएगा वो आएगा क्या, 93। तो इसको आप इस टाइप से कर सकते हैं। देखो, कुछ नहीं करना होता, ये आपको सीखना होगा, बड़ी क्लासों में यही करना होगा। जिस नंबर से आप नीचे वाले को काटते हैं उसी नंबर से ऊपर वाले को काटना है, बस ये ध्यान रखना है। तो ये आंसर जो लास्ट बचे वही क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। इसके बाद आप कर सकते हैं, सिक्स्थ क्वेश्चन है 0 divided by -40। सिक्स्थ जो क्वेश्चन है वो है 0 divided by -14। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 0। इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। 0 क्यों होगा आंसर, इसका आंसर 0 क्यों होगा, इसका आंसर 0 इसलिए होगा 0/-14। ध्यान रखना, अगर 0 को किसी नंबर से डिवाइड किया जाता है तो हमेशा आंसर क्या आता है, 0 आता है। अगर ये चीज मैं उल्टी कर दूं, -14/0, अब आंसर क्या है,
अभी तो जीरो ऊपर था, नंबर नीचे था, आंसर आ रहा है जीरो। माइनस नहीं लगेगा क्योंकि जीरो ना पॉजिटिव ना नेगेटिव माना जाता है, ठीक है। अब आ गया आपका माइनस 14 अपॉन जीरो, जस्ट इसका हमने क्या कर दिया इसको उल्टा, तो आंसर क्या आएगा इस कंडीशन में, आंसर आएगा आपका अनंत। क्या आएगा? इन्फिनेट, जिसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट भी बोलते हैं कई लोग, इन्फिनेट भी बोलते हैं अनंत। जब जीरो नीचे होगा तो आंसर अनंत आएगा, और अगर जीरो ऊपर होगा तो आंसर क्या आएगा? जीरो होगा। इस चीज को याद रखिएगा, है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कंप्लीट है। सेकंड क्वेश्चन है, वेरीफाई ए डिवाइडेड बाय ब्रैकेट बी प्लस सी ब्रैकेट ऑफ डज नॉट इक्वल ब्रैकेट ए डिवाइडेड बाय बी ब्रैकेट ऑफ प्लस ब्रैकेट ए डिवाइडेड बाय सी ब्रैकेट ऑफ फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ ए कॉमा बी एंड सी, और ए बी सी की वैल्यू आपको गिवन है, तो ये वेरीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड गिवन, सेकंड का फर्स्ट गिवन है ए डिवाइडेड बाय बी प्लस सी डज नॉट इक्वल ए डिवाइडेड बाय बी प्लस ए डिवाइडेड बाय सी फर्स्ट क्वेश्चन है। ए इक्वल गिवन है आपको 10, बी इक्वल गिवन है -6 और सी इक्वल गिवन है 4। ए है 10, बी है -6 और सी है 4। तो आपको ये वैल्यू इस इक्वेशन में रखना है, इस इक्वेशन में रखना है और वेरीफाई करना है कि ये इक्वल हो गए या डज नॉट इक्वल हो गए, ठीक है। तो पुटिंग द वैल्यू of a comma b and c in given identity, जो आपको identity given है a divided by b plus c does not equal a डिवाइडेड बाय b प्लस a डिवाइडेड बाय c, इसमें पुट कर दो। तो जहां a देखे वहां 10 रख दो, जहां b देखे वहां -6 रख दो, और जहां c देखे वहां 4 रख दो। तो a के प्लेस पर 10 डिवाइडेड बाय b के प्लेस पर -6 और c के प्लेस पर 4 डज नॉट इक्वल a 10 डिवाइडेड बाय b -6, यहां बड़ा ब्रैकेट लग जाएगा क्योंकि डबल साइन होगा, प्लस ए 10 और सी 4, इनको सॉल्व करो। तो 10 डिवाइडेड बाय, पहले ब्रैकेट सॉल्व हुआ, प्लस माइनस माइनस होता है, यहां से आएगा माइनस का 2 डज नॉट इक्वल, या हो जाएगा आपका -6 से हम 10 को डिवाइड करेंगे, किससे? -6 से। तो 10 अपॉन -6, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, तो ये आएगा 5 अपॉन -3, यहां क्या आ जाएगा 5 अपॉन -3। चलो इसको पहले डिवाइड में रख देते हैं, ये हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय -6 प्लस 10 अपॉन में 4। अब इनको हम सॉल्व करेंगे, जब सॉल्व करेंगे आप इसको भी इस फॉर्मेट में रख सकते हैं 10 अपॉन में -2, तो ये हो जाएगा 2 1 2 2 5 10, तो यहां आया -5 डज नॉट इक्वल। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 3 6 2 5 10, ये आ जाएगा आपका 5 अपॉन -3 और प्लस 2 2 4 2 5 10,
प्लस फाइव अपॉन टू, और ये सॉल्यूशन चुन जाए सर तो माइनस फाइव डज नॉट इक्वल एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा माइनस सिक्स, थ्री टू जा सिक्स और टू फाइव जा टेन, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका प्लस टू थ्री जा सिक्स और थ्री फाइव जा फिफ्टीन, तो माइनस फाइव इज नॉट इक्वल ये हो जाएगा ट्वेंटी फाइव अपॉन माइनस सिक्स, तो ये डज नॉट इक्वल आया तो ये हमारा क्या हुआ इसका वेरीफाई हुआ। जरा इसको दोबारा चेक करें, ये हो जाएगा माइनस का फाइव अपॉन थ्री और प्लस का फाइव अपॉन टू, दोबारा चेक करें जरा इसको, माइनस फाइव इज नॉट इक्वल एलसीएम आया कितना सिक्स, तो ये हो जाएगा आपका थ्री टू जा सिक्स माइनस का टेन आएगा, तीन दूनी छः और दो पाँच है दस और दो तीन छः और तीन पांच पंद्रह, ये होगा आप इसका यहाँ कर दीजिएगा और इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिएगा, ये हो जाएगा माइनस फाइव नॉट इक्वल यहाँ से बचेगा फाइव अपॉन सिक्स, प्लस माइनस माइनस होता है थ्री माइनस टेन फाइव अपॉन सिक्स, तो ये आपका डज नॉट इक्वल हो गया। ठीक है, तो यही आपको क्या करना था वेरीफाई करना था जो कि आप कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन भी इसका ऐसा ही है तो उसको कर लीजिएगा। थर्ड है फिल इन द ब्लैंक्स, थर्ड जो क्वेश्चन है वो है फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए फर्स्ट दे रखा है ब्रैकेट डिवाइडेड बाय माइनस नाइन इक्वल आना चाहिए फाइव, सेकंड दे रखा है ब्लैंक्स डिवाइडेड बाय सेवन इक्वल आना चाहिए माइनस ट्वेल्व, और थर्ड दे रखा है फिफ्टी डिवाइडेड बाय ब्लैंक्स इक्वल माइनस फिफ्टी, और फोर्थ दे रखा है माइनस थ्री हंड्रेड फिफ्टी डिवाइडेड बाय ब्लैंक्स इक्वल माइनस थ्री हंड्रेड फिफ्टी, ब्लैंक्स दे रखे हैं आपको। देखें जरा फर्स्ट है जो आपका क्या आना चाहिए पॉजिटिव फाइव आना चाहिए, तो इस यहाँ आ जाएगा आपका माइनस का फोर्टी फाइव, आप जब माइनस के फोर्टी फाइव को माइनस के नाइन से डिवाइड करोगे तो ये आएगा प्लस का फाइव। सेकंड है आपका उसमें क्या आना चाहिए भाई माइनस का ट्वेल्व आना चाहिए, सेकंड में आना चाहिए माइनस का ट्वेल्व, सेकंड वाले क्वेश्चन में माइनस का 12 आना चाहिए तो यहाँ आएगा माइनस का 84, आप जब माइनस के 84 को डिवाइड करोगे 7 से तो 7 बन जा 7 7 टू जा 14, तो ये आएगा माइनस का 12। इसके बाद थर्ड देखिएगा जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें आएगा आपका माइनस का वन, माइनस वन से फिफ्टी को डिवाइड करोगे तो यह आ जाएगा माइनस का वन, और फोर्थ क्वेश्चन है
इसमें आपको क्या आना चाहिए, तो यहाँ आप इसको डिवाइड कर दो वन से, फोर्थ को डिवाइड कर दो वन से, तो ये आप कर सकते हैं। माइनस 350 को हम वन से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा, वही मिलेगा। तो ये आपके ब्लैंक्स थे जो कंप्लीट हुए। अगला जो क्वेश्चन है, राइट फोर पेयर्स ऑफ इंटीजर ए कॉमा बी सच दैट ए डिवाइडेड बाय बी इक्वल माइनस फोर, वन सच दैट वन सच पेयर इज माइनस एट डिवाइडेड बाय टू इक्वल माइनस फोर। तो इसको सॉल्व करेंगे फोर्थ क्वेश्चन को। आपको चार पेयर्स लिखना है, राइट फोर पेयर्स ऑफ इंटीजर ए कॉमा बी सच दैट ए डिवाइडेड बी इक्वल माइनस फोर होना चाहिए, वन सच पेयर इज माइनस एट, तो माइनस एट डिवाइडेड बाय टू माइनस फोर। तो देखें इसका आंसर फोर्थ वाले क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का सॉल्यूशन हो जाएगा। आंसर मिलना चाहिए आपको हर कंडीशन में क्या, माइनस का फोर। आंसर क्या मिलना चाहिए हर कंडीशन में माइनस का फोर। ऐसे चार पेयर्स लिखना है तो 12 डिवाइडेड बाय माइनस थ्री करेंगे तो माइनस फोर आएगा। फर्स्ट पेयर ये हो गया, सेकंड पेयर से देखें अगर आप तो ये हो जाएगा माइनस 20 डिवाइडेड बाय फाइव करोगे तो फाइव फोर जा माइनस फाइव फोर जा 20 होता है, तो ये दूसरा पेयर्स हो जाएगा। इसके बाद तीसरा पेयर्स माइनस 24 डिवाइडेड बाय 6 करोगे तो ये हो जाएगा 6 4 20। तो ये तीन पेयर हुआ, ऐसा एक पेयर्स और आपको चाहिए। एक पेयर्स और आपको चाहिए तो इसके लिए आप देखें माइनस 16 डिवाइडेड बाय 4 तो ये माइनस 16 डिवाइडेड बाय 4 तो 4 जा 16 तो ये माइनस 4 हो गया। तो आपको ऐसे चार पेयर्स बनाने थे जिनका डिवाइड करने पर, चार पेयर्स बनाने थे ऐसे इंटीजर लेने थे जिनका डिवाइड करने पर आंसर क्या आना चाहिए था हर कंडीशन में माइनस 4। तो ये हमने चार पेयर्स ले लिए, माइनस 3 से 12 को डिवाइड किया माइनस 4 आ गया, 5 से 12 माइनस 20 को डिवाइड किया माइनस 4 आ गया, 6 से माइनस 24 को डिवाइड किया माइनस 4 आ गया, 4 से माइनस 16 को डिवाइड किया माइनस 4 आ गया। ये आप ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि इसी क्रम में रखना है, आप इनको ऊपर ऊपर नीचे भी कर सकते हैं जैसा आप हो सक आप चाहो तो इसको फर्स्ट लिख सकते हो, इसको लास्ट लिख सकते हो, है ना। तो जब जैसा आपको याद रहे आप वैसा लिख सकते हो, ऐसा नहीं कि जिस क्रम में मैंने लिखा आप भी उसी क्रम में लिखें। तो ये आपकी आज यूनिट फर्स्ट का एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो है 1.6 और वो आपका क्या है, बेड प्रॉब्लम है, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।